अल्हम्दुलिल्लाह कल रात भी हमारे पास बछड़ी आई है और उससे पहले भी बछड़ी आई, आंखें भी बहुत प्यारी और बहुत ही छोटी सी बछड़ी और हाथ पैर भी आपको देखने को मिलेंगे। सिंध बिंद या पंजाब मूड हुआ तो पंजाब में जाएंगे। पंजाब बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस पे और अभी तो ये खीरा है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस साल ये बकरा ईद पे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेट सीन्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों भाई मैं फार्म पे पहुंच चुका था और यहाँ पे देखिए भाई सारे के सारे जानवर जो है भाई बाहर बंधे हुए सुकून से बैठे हुए हैं। इनकी तरफ भी जाते हैं अभी, पहले इस जानवर को थोड़ा देख लेते हैं। जानवर भाई अभी तो सुलेमान मान चचा है, नहीं तुम फिर कर रहे हो फिर वो गुस्सा होंगे भाई। तो मैं सीरियस रहूंगा नहीं अब से, हंसी मजाक चलती रहेगी। वैसे और उरूज पे चली जाएगी, लोगों के कमेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे आए भाई, उन्होंने तारीफ करी कि भाई लगे रहो ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही हर चीज़ करते रहो। तो सुलेमान चाचा भी माशाल्लाह आ गए, सुलेमान चाचा के भी कमेंट्स पढ़े हमने, जो आपने जो कमेंट्स में कहा था कि एक दिन सुलेमान चाचा गलती से उल्टी शलवार पहन कर रखा। यार देखो यार सुलेमान चाचा क्या बोलते रहते हैं, खुद पहन के आता तो फिर दूसरों को ये बता देता तो भाई इसने पहनी हुई है। सुलेमान चाचा माशाल्लाह कमेंट्स पढ़ाए थे ना मैंने आपको, बताएं जरा कमेंट्स कितने कितने अच्छे अच्छे आए थे। तो आपने भी सारा तो नीचे ऊपर से उल्टी पहनी हुई थी क्या? तो नाम मेरा बोला था इसने, अरे सलवार की बात हो रही है, सलवार की तुमने क्यों परसों उल्टी पहनी हुई थी? तो वो स्टाइल है, यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल है ना भाई, स्टाइल है ना, ये बस खत्म हो गई बात। हंसी मजाक छोड़ दो भाई, जो आपने ऑफर लगाई थी माल आना शुरू हो गया। अच्छा आना शुरू हो गया, पच्चीस हजार वाली ऑफर जो आपने लगाई थी ना। अच्छा तो पहले दिन एक दिन पहले पहले माल पहुंच गया। अच्छा एक काम करो वो माल लेकर आओ, जब तक मैं लोगों को बताता हूँ। क्या 25,000? वो जो 25,000 वाली हमने खतरनाक वाली ऑफर लगाई थी ना। किस चीज की? अरे पलाई की। अच्छा 25,000 में पाल के दे रहे हो? पाल के दे रहे हो, जो जमील मेमन में तबाही मच गई है, लोग कांपना शुरू हो गए, अलवाइज के सामने गुजर रही है बाइकें, यूं ही ना कहां ये लोग कहां है, पकड़ के मारेंगे तो नहीं? अबे जाड़े मारेंगे भाई। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल रात भी हमारे पास बछड़ी आई है और उससे पहले भी बछड़ी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको बछड़ी चल के जरूर दिखाते हैं और जरूर बताएगा कि वो बछड़ी है कैसी। और 25,000 वाली अभी तक ऑफर है, आप लोग आइए प्लीज आइए और ये ऑफर हमारी अवेल करिए। और उसके अलावा ना दोस्तों एक बछड़ी जो है हमारे फार्म से सोल्ड भी हो चुकी है और हमारे पास ही भाई पलने भी आ गई है, मेरे दिल से लगी हुई थी यार। क्या कह रहा था मैं उसके बारे में? वो तो हमें कुर्बानी करनी थी इस बार, मैंने सोचा हुआ था यार, सोचा हुआ था, सोचा। फराज भाई भी पीछे लगे हुए थे, फराज भाई भी कह रहे थे दोस्तों, फराज भाई को भी पसंद थी, वो भी अपनी कुर्बानी के लिए देख रहे थे और मुझे भी भाई पसंद थी यार, मैंने भी उसको अपनी कुर्बानी के लिए सोच रहा था। मैंने यही मोंटी को बोला था यार अगर ये सेल नहीं हुई ना तो मैं उसको अपनी कुर्बानी के लिए रख लूंगा, लेकिन भाई अब वो सोल्ड आउट हो चुकी है हमारे एक भाई को और अभी उसको भी मंगवाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि भाई कौन सी बछड़ी है। और तब तक आप कमेंट्स में गेस करें कि भाई कौन सी बछड़ी हमारी इतनी प्यारी थी। Few inches later. ये देखिए भाई सबसे पहले भाई ये वाली बछड़ी और माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई आप समझ रहे होंगे कि यार ये कोई छोटी बच्ची है, लेकिन ये भाई छोटी बच्ची नहीं है, ये पूरी है, पूरी ये पूरी है दोस्तों। ये दरअसल भाई गेनी बछड़ी है और अभी ये खीरी है और माशाल्लाह से भाई कितनी प्यारी है यार। और इसको आगे लेके जाओ, इसको दिखाते हैं यार। आप आज मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई इस बछड़ी का बिफोर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़ी दिन में आपको इसको अच्छा से अच्छा आपको दिन भर दिखता रहेगा, मतलब यार हफ्ते हर हफ्ते आपको इसको दिखाते रहेंगे तो आपको इसमें प्रोग्रेस नजर आती रहेगी। और माशाल्लाह से भाई ये देखिए यार बहुत ही प्यारी सी है यार, ये देखिए हल्की सी गुलाबी भी आ रही है इसकी नाक, ये देखिए माशाल्लाह, आंखें भी बहुत प्यारी और बहुत ही छोटी सी बछड़ी और हाथ पैर भी आपको देख रहे होंगे माशाल्लाह से भाई अच्छी बछड़ी है, पलने वाली है, ये हाइट तो नहीं निकालेगी लेकिन ये गोलाइयों में इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई भरपूर आएगी यार माशाल्लाह से भाई। इसका नाम वाम कुछ सोचा है? इसका नाम सोचा नहीं है, नाम उनसे पूछेंगे, लेकिन मैंने कुछ सजेस्ट करा हुआ था नाम, मतलब कि शायद उनको बुरा लग जाए तो मैं बोलना नहीं चाह रहा। क्या रखा था यार? बस यार मैं इसको बोल रहा था छोटी रानी। छोटी रानी, छोटी रानी तो अच्छा नाम है यार, इसमें बुरा क्यों मान जाएंगे? छोटी रानी ना, हाँ छोटी रानी अच्छा नाम है, छोटी रानी है। तो दोस्तों यार जरूर इसका नाम ना जरूर कमेंट्स में सजेस्ट करिएगा कि भाई ये छोटी सी माशाल्लाह से भाई इतनी प्यारी बछड़ी हमारे फार्म पे आई है, इसका नाम हम क्या रखें। और ये भाई माशाल्लाह यार ये जब से आई है ना मैं इसको देख रहा था माशाल्लाह से भाई बहुत ही ज्यादा प्यारी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटी में, इसका प्रिंट देखिए और माशाल्लाह से यार इसकी फेस ब्यूटी देखिए यार, कितना मासूम सा फेस है, दोनों आंखों में पासे आ रहे हैं और माशाल्लाह से यार बहुत प्यारी बछड़ी है। लेके जाओ इसको, ये खीरी है ना, ये भी दोस्तों अभी खीरी है और इससे पहले जो मैंने आपको घेनी दिखाई थी ना वो भी अभी खीरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बहुत ही प्यारी बछड़ी, बहुत ही प्यारे प्रिंट में,
और इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई इसको ज़रूर दिखाएंगे आपको पाल के। और ये जब आई थी ना, मैंने बोला था यार सुलेमान चचा को कि यार सुलेमान चचा अनमोल आ गई, अनमोल ही आ गई, बिल्कुल अनमोल जैसी लग रही है माशाल्लाह से। यार दोस्तों ये है भी बिचोले में, इतनी मतलब हाइट वाली बछड़ी नहीं है। अनमोल भी हमारी जो थी भाई वो भी बिचोली थी और माशाल्लाह से यार बिल्कुल मतलब तकरीबन सेम है। उसका भी ऐसी प्रिंट आ रहा था आगे पीछे, उसका थोड़ा ज़्यादा था, इसका थोड़ा कम है, लेकिन माशाल्लाह से भाई बहुत प्यारी बछड़ी है। इसका नाम क्या करें भाई, अनमोल रख दें? इसका नाम अनमोल रख देते हैं। हाँ अनमोल रख दें, अनमोल रख दें। हाँ भाई टू का भी अनमोल अनमोल भाई, जिनका जानवर है ये उनको भी मैं बोलूँगा कि भाई मुझे कमेंट्स में या मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं इसका, अगर उन्होंने कोई नाम सोचा हुआ है। अगर नहीं सोचा हुआ तो हम अनमोल रख देंगे इसका नाम, या तो आप सब्सक्राइबर से भी बोलूँगा कि भाई जो लोग देख रहे हैं वीडियो आप भी इसके अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट करें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई बहुत जल्द इसकी भी आपको पलाई दिखाएंगे यार, पलाई रिजल्ट्स दिखाएंगे आपको कि भाई कैसी आई थी ये बछड़ी और माशाल्लाह से भाई कैसी होती जा रही है। ले जाओ ले जाओ, और अब वो ले आओ भाई जो सोल्ड हो चुकी है। ओबे 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 इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया? ओबे भाई माशाल्लाह से भाई ये देखें भाई हमारे शेरू भाई क्या हो गया। हाँ मस्ती आ गई तुम्हारे अंदर? हाँ बहुत मस्ती आई हुई है माशाल्लाह से भाई, बहुत मस्ती है इसके अंदर ना, बहुत प्यारा बच्चा है। और ये देखें भाई सुल्तान हमारा माशाल्लाह से भाई कितनी कोई अच्छी और गर्दन बना रहा है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें यार माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा होता जा रहा है। दोस्तों भाई ये देखिए यार आ गई है हमारी दिलरुबा भाई माशाल्लाह से यार। लास्ट की वीडियो में मैंने भाई ये दिखाई थी, ये अवेलेबल फॉर सेल है और जो कि अब भाई सोल्ड आउट हो चुकी है हमारी। उन्हीं भाई को जिनकी अभी ये दो बछड़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी ना, ये उन्हीं ने परचेज़ करी है भाई। और माशाल्लाह से भाई आपके सामने इसको लेके आओ यार, दिलरुबा गई भाई, लेकिन अभी तो अपने फार्म पे ही है, अभी तो अपने लेकिन अपनी ओनरशिप से चली गई, अपनी ओनर में। यार तो बोला था भाई रख लो यार, रख लो यार, रख लो, मगर नसीब है भाई, चला नसीब है इंशाल्लाह यार। हम अपने लिए अब कुर्बानी ढूंढेंगे यार बाहर से जानवर, वरना मैंने सोचा हुआ था यार अपने फार्म पे दिलरुबा ही मैंने एक सोची हुई थी यार, ये बछड़ी मेरे दिल पे लगी हुई थी शुरू से। जाने मन को तो अभी कुर्बान नहीं कर सकते, जाने मन को अगले से भी अगले साल देखेंगे, लेकिन उसका भी अभी भाई कुर्बानी का इरादा नहीं है मेरा, नहीं है भाई अभी तो बिल्कुल नहीं है, उसका तो इरादा ही नहीं है, उसका दिमाग में भी नहीं, उसका दिमाग में भी नहीं है, सोचा ही नहीं है उसका तो। ये हमारी दिलरुबा दोस्तों भाई माशाल्लाह से भाई आपके सामने कितनी छोटी सी आई थी हमारे फार्म पे यार, बहुत छोटी सी थी, मतलब ये कोई 5 महीने की, 4-5-6 महीने की यही एज होगी दोस्तों इसकी जब भी हमारे फार्म पे आई थी। और माशाल्लाह से भाई अब आपके सामने खड़ी भी है, थोड़ा चला फिर आगे दिखाओ, आप भी एक जगह लेके खड़े हो जाते हो बस, ये भाई बस देखते रहो, खड़ी भी है माशाल्लाह। ये देखिए भाई कितनी अच्छी गुलाइयाँ उतारी हैं बच्ची ने, और धूम के साइज से इसको आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका फ्यूचर क्या है भाई। तो भाई इंशाल्लाह अल्लाह नसीब करे हमारे भाई की जिन्होंने ये हमसे परचेज करी है। अभी उन्होंने शायद इरादा नहीं किया ये उनकी कुर्बानी के लिए, ये आइदर फॉर सेल है, शायद अवेलेबल फॉर सेल हो ये आगे जाके, लेकिन अभी तो ये उन्होंने रखी हुई है, अभी उनका सेल का कोई इरादा नहीं है माशाल्लाह से भाई, बहुत प्यारी। ले जाओ भाई। यार भाई बात सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या आइडिया है यार? मैं ये सोच रहा हूँ कि अपन अपने जो हमारे जो चाहने वाले हैं, सही है, और हमें भी कुर्बानी करनी है, और हमें लोगों को कुर्बानी भी आसान करवानी है कि वो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुर्बानी करें, तो हम सोच रहे हैं कि यार एक टूर मार कर आते हैं, ज़रा रेट लेकर आते हैं, अच्छे रेट लगे तो इंशाल्लाह ताला ख़रीद के भी लेकर आएंगे, तो जैसे हमारे लोग कमेंट्स करेंगे तो हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और जो हमारे साथ चलना भी चाहता है तो मोस्ट वेलकम। क्यों भाई कैसा आइडिया? कहाँ चलेंगे, कहाँ जाएंगे? यार कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, सिंध विंध या पंजाब मूड हुआ तो पंजाब, हाँ, निकल जाएंगे, पंजाब निकल जाएंगे। ये जरा चलो ऐसा सीन बनाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना अक्टूबर का रखते हैं, अक्टूबर में अक्टूबर का सीन बनाते हैं। आज वीडियो में लोगों को हमने बोल दिया, अगर आप लोग चाहते हैं यार हम आपके लिए अक्टूबर में जाके परचेजिंग करके वहां से कोई जानवर लेके आए, आपको वहां पे दिखाएंगे वीडियो में कि भाई ये चीज़ें इतने इतने पैसों में अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं भाई हम वहां से आपके लिए परचेज करके लेके आ जाए तो लेके आ सकते हैं, ऐसा करें। ये हम ये फैसिलिटीज आपको दे सकते हैं, वहां से जानवर हम यहां पे ला सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और आपको पता है कि हम माशाल्लाह जो चीज लाते हैं तो फिर तो वो हीरा ही होती है ना, हीरा ही होती है। तुम्हें भी तो तुम कहां से आ गए? हम हीरा हैं मगर ये खीरा है। ये जीरो है, जीरो। यार भाई मैं बड़ा यार पता नहीं अजीब सी बात लग रही है यार मुझे, यार मैंने इनको 1000 मरतबा बोला है, 10,000 मरतबा बोला है कि भाई जो हमारे पास इतने सारे मोरे रखे हुए हैं क्या वो किसी जहेज में लेके जाने
किसी देने हैं क्या मोरे यार? यार तू हर टाइम ये गुस्से वाली बात करता है। अच्छा तो मैंने आपको बोला था कि मोरे पहना दो ना जो पड़े हुए एक्स्ट्रा। भाई हमने संभाल के रखे दो, अभी सुबह को निकाल के हम सुबह को पहना देंगे। चाचा मैं आपको 10 दिन से बोल रहा हूँ ना, ईमानदारी से बता हाँ या ना। तो पहना दीजिए ना, उसको पहनाया, दिलबर को पहनाया, सुल्तान को पहनाया, लेकिन मैं 10 दिन से बोल रहा हूँ आपको, 10 दिन से बोल रहा हूँ। बोलते जा रहे हो तो हम निकाल के एक एक करके पहनाते रह रहे ना। अब तुम फिर बोलोगे, फिर वो एक दिन एक जानवर को पिला देंगे, फिर बोलोगे, फिर जिस दिन नहीं बोलेगा उस दिन नहीं पिलाना। तेरी नजर नहीं है तो चल मैं लेके चलता हूँ, तेरे को दिखाता हूँ वो देख। सुलेमान चाचा मैं तो कह रहा हूँ इसको अंदर लेके जाओ, सही है, और उसको मोरा दिखा के लेके आओ। जाओ जाओ जाओ, इसको मोरा दिखा। मैं नहीं जा रहा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई हमारे बादामी भी आ गए हैं। कैसे हो भाई, इधर आओ इधर आओ। यार सुलेमान चाचा वैसे यार मोंटी बात तो सही कह रहा है यार, देखो अब ये मोरा पहनेगा ना तो माशाल्लाह से यार इसकी अलग ही शक्ल निकल के आ जाएगी और अलग ही दिखेगा फिर। इसको भी मोरा पहनाएंगे हाँ, इंशाल्लाह ताला ये भी खूबसूरत होगा और सारों को एक एक डेली पिलाते जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई रोज एक एक पहनाने, लेकिन सुलेमान चाचा ने बोला मोंटी की नहीं सुनूंगा, मोंटी ने बोला सबको एक साथ पहनाओ तो नहीं पहनाऊंगा, सबको एक एक करके पहनाऊंगा, ऐसे ही एक एक पहनाऊंगा, मोंटी की नहीं सुनूंगा। भाई ये आंखों में खौफ नहीं देख रहे? खौफ 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 देखो आंखों में, खौफ मलीर मंडी से इसको लेके आया था और माशाल्लाह से यार इसने जो अपनी ग्रोथ दिखाई है और इसके साथ का एक दुलदुल भी है माशाल्लाह से यार, बहुत अच्छी ग्रोथ यार, दोनों ने मैसिव ग्रोथ पे आया और माशाल्लाह से भाई इसके अभी रिसेंटली सींग भी बने तो अभी उससे रिकवर हो रहा है, जल्दी से बाहर आ जाएगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी ग्रोथ और तेजी से ये बढ़ा देगा इसको ना यार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुलेमान चाचा यार कल इसको मोरा पहना देना, सही है, मोरे के साथ इसका अलग ही लुक आएगा इंशाल्लाह आपको। भाई जन, भाई जन, ये अवेलेबल है? हाँ ना अवेलेबल है ना। हाँ हाँ, ये फॉर सेल है? हाँ फॉर सेल है, चाहिए तो आपको? चाहिए नहीं ना, तो जिसको चाहिए वो आके ले सकता है। तो दोस्तों भाई ये अवेलेबल फॉर सेल है हमारा जो है बादामी, और इसका नाम भी भाई बादामी इसलिए रखा था हमने, इसके ऊपर आप देख रहे हैं गोल 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 ऐसे बने हुए ना बादाम की तरह, ऐसा लगता है यार बिल्कुल बादाम है। निकाल निकाल इसको, खा निकाल के खा ले, क्या देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों भाई इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बादामी हमारा अवेलेबल फॉर सेल है और माशाल्लाह से यार बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस पे, और अभी तो ये खीरा है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस साल ये बकरा ईद पे दो दांत तैयार होगा और ये बहुत ही अच्छा जाएगा। इसको जरा खड़ा करके दिखाना और ये जो जिस तरीके से ग्रोथ है ना इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भाई बता देगा मोंटी, ये बता देगा, ये बता देगा। हाँ क्या बता देगा, खुद ही बता देगा फोन करके। हाँ तो आप नंबर लिख लें इसका, 0343-0343-4111-4110-4140। ये हमारा नंबर है, जिसको चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है। अभी रुक जाएं, वीडियो आसान हो रही है, आसान के बाद कंटिन्यू, आसान के बाद कंटिन्यू करोगे? कंटिन्यू करते हैं। कोई बात करनी है क्या आपको? एक बात करनी है मुझे इंशाल्लाह ताला, मैं बात करता हूँ उसी वीडियो के हवाले। अच्छा एक सरप्राइज भी तो है। क्या? नहीं बता आपको भी? नहीं आपको भी मैं बताऊंगा। चलो ठीक है। तो दोस्तों अभी अजान हो रही है, अजान होने देते हैं और अजान के बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं और मोंटी को कोई बात करनी है वो करेगा। दोस्तों भाई अजान जो है हो चुकी है और अंधेरा भी हल्के हल्के होना शुरू हो गया और इसी टाइम आप लोगों को पता है यार हम लोग अपने जानवरों को दूध पिलाते हैं तो सुलेमान चाचा वहाँ पे दूध भर रहे हैं बोतल के अंदर और यहाँ पे भाई इसने शेरू को खोल लिया परवेज ने, पहले शेरू को पिलाएंगे फिर हल्के 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 करके सबको पिलाएंगे। पिला दो सुलेमान चाचा, खुद नहीं पी जाना। अच्छा बछड़े को पिलाते हो पक्का ना? मोंटी को भी पिलाऊंगा। हाँ भाई क्या बात करनी थी भाई? भाई मुझे ये बात करनी थी, देखो भाई आबिद से मेरी बात हुई थी, आबिद ने कहा था मैं आपको 3-4 दिन में आपका मुर्गा रेडी करके दूंगा। हफ्ता बोला था? हफ्ता बोला था। हाँ मेरा अभी तक वो वैसा का वैसा गंजा घूम रहा और अबे आबिद तो गांव चला गया। क्या हो गया भाई, आबिद ने इनको बोला था यार एक हफ्ते में ना मुर्गा रेडी करके दे दूंगा, ये बात आपके दिल पे लगी हुई थी? ये मैं नहीं, दिल पे थोड़ी लगी हुई थी यार, क्या मतलब आबिद भाई है, जाए सालगिराती केक वेक काटेगा लेकिन यार मुर्गे का क्या होगा मुझे ये बताओ यार। मुर्गा सही हो जाएगा ना? अभी तक गंजा है? अभी तक गंजा है भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही हो जाएगा, वो मोल्टिंग कर रहा है, उसके हल्के हल्के बाल आ जाएंगे और मोल्टिंग में टाइम लगता है 10 दिन भी नहीं भाई, जानवर महीना लगा देता है मेरे हिसाब से, महीना 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 लगा देता है महीना। हाँ महीने में सेट हो जाएगा फिर ज़िबा करके खा लेंगे। पागल हो रहे, ज़िबा करके मैं सब पे छुरियां फेर दूंगा। नहीं सुलेमान चाचा ने मुझे बोला है कि भाई मैं अपना मुर्गा अगले महीने ज़िबा करूंगा। चाचा ने ज़िबा कराया मैं सुलेमान चाचा का बड़ा वाला मुर्गा ले जाऊंगा। सुलेमान चाचा ने बोला है मैं बड़ा वाला ही अपना ज़िबा कर दूंगा, खुद से बोला है मुझे आके। अच्छा हाँ तुम उस दिन कह रहे थे ना, मैं पूछवा दूं। बाकी उसी दिन दोस्तों इसने बोला ना वीडियो में कि यार सुलेमान चाचा अपना मुर्गा ज़िबा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अगले दिन एक दो दिन बाद सुलेमान चाचा ने मुझे खुद से आके ये बात बोली। सुलेमान चाचा क्या सीन है भाई? अगले महीने को ना अपने वाला मुर्गा तो ज़िबा। क्यों यार इतना बड़ा अच्छा मुर्गा है? नहीं भाई वो मैंने वायदा किया था ना आपसे भाई, उसको तो अपनी
दावत दोगे? दावत बनाएंगे। बस बोलो बोलो अब। और इसका मुर्गा कितना छोटा सा है आपके सांप के मुर्गे के सामने, वो जिबा नहीं कर रहा था आपके लिए। कब दे रहे हो दावत? अगली 10 तारीख को। अब अगली 10 तारीख को मैं भी दे रहा हूँ। क्या दे रहे हो आप दावत? कहाँ पे? इसी फार्म पे। मुर्गे की दावत? कौन से मुर्गे की? मेरी मर्जी, मैं कोई सा भी मुर्गा दूं आपको, अपना दूं या आपका दूं। तो दावत है, दावत तो दावत है भाई। भाई मैंने सुना था तुमने उधर भाई को क्या बोला था? क्या बोला था? हाँ क्या क्या बोला था? तो मैं अपना मुर्गा ज़िबा करूंगा भाई, चाचे का मुर्गा मैं लेके जाऊंगा। लेके तो दिखा। लेके दिखा, लेके दिखा चाचा। ये जब पेट में जाएगा ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। पेट में जाएगा तो ये भी ऐसा लगेगा पेट में, समझ गया? मैंने आपसे कब बोला कि ये मारो? क्यों बोला तुमने भाई? आप इसको इधर रखो पहले। नहीं, अरे भाई दूध पिलाना है, दूध पिलाना है। दोबारा उठाए, उठा लिया, दोबारा रखे, एक सेकंड दोबारा। यही करता रहेगा, आप भी उसकी बात में मारो, दूध पिलाओ। वो देखो वो खड़ा हुआ है जानवरों के दूध के टाइम। आगे 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 जाना शुरू कर। अच्छा सबको पिला दिया? हाँ, पिला दिया सबको। दूध हो गया? हाँ दूध हो गया। वीआईपी करके दोस्तों भाई सारे के सारे जानवरों को दूध पिला दिया, एंड में शेरू को पिला रहे थे। एंड में। अच्छा वीडियो तो एंड कर दो आज इंशाल्लाह ताला। भाई जो भी है आ जाओ माल लेके हमारे पास, पिलाई पे छोड़ दो पूरा। बोल रहे हैं फिर बाद में पछताओगे, जैसे पिछले साल आके लोग क्या कह रहे थे यार। भाई लोग कह रहे थे हम भी पलवा लेते, हमें भी सस्ता पड़ जाता ईद वाले दिन। भाई देखो उन्होंने जो अवेल नहीं करी लास्ट ईयर, इस साल आ जाए भाई, धमाका ऑफर है। मगर ये महदूद मुद्दत तक के लिए है। हाँ, महदूद मुद्दत तक के लिए है ये। कितना ये शायद भाई 4 महीने बाद 20,000 रुपए कर दे हम 25 से। अच्छा और कम हो जाएगी। तो भाई आइए, मौका पाइए और अपना जानवर छोड़िए और उसका रिजल्ट देखिए आप। सुलेमान चाचा प्लीज एंड कर दे, एंड कर दो एंड। 25,000 से हमारी शुरुआत है, फिर आगे हम सोचते रहेंगे। अच्छा वीडियो तो एंड कर दो। वीडियो एंड हो जाएगी। वीडियो एंड कैसे करते हैं भाई? अलाफिस। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट मस्ट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ यार अपने भाई को दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज। यार वीडियो छोटी है आज की, है ना? छोटी हो गई ना, सॉरी 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 बोल दो लोगों को, आज माफ कर दीजिएगा। आज वीडियो छोटी हुई है क्योंकि जो छोटी बछड़ी आई उस हिसाब से हमने बनाई है। कल इंशाल्लाह ब्राउन वाली के हिसाब से बना देंगे।